जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो 501, 502, 503 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर। अब बहुत सारे लोग यह भी बोल रहे हैं कि हमने जो है अपना रिजल्ट को देख लिए, तो क्या आपने भी अपना रिजल्ट को देख लिया? आप पास हुए कि फेल हुए, क्या कितने परसेंट आए हैं, क्या आप अपने मार्क्स को लेकर संतुष्टि है कि नहीं है? क्या आपने जो है वाकई में जो रिजल्ट आपने देखे, क्या वाकई में वो रिजल्ट सही है या गलत है, क्या है पूरा का पूरा मामला, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। अगर आपने अपना रिजल्ट नहीं देखे तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर से जरूर देख ले, आपको हर चीज के बारे में पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा डिटेल्स के बारे में आपको बताएंगे हम। वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें, लेकिन चैनल पर नए हैं तो जरूर आप एक बार सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल जो है बहुत ही एक ई वायरल है जो कि वायरल कर रहे हैं, में यह दावा कर रहे हैं कि आप सभी का NSDLET का जो रिजल्ट को घोषित कर दिए गए। तो यहाँ पर जो है आप सभी को अपना इनरोलमेंट नंबर डालने होते हैं, उसके साथ साथ आपको ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर आपको डालने होते हैं। जैसे डालते हैं, सबमिट करते हैं, वैसे आप सभी का रिजल्ट को यहाँ पर दिखने लगते। तो क्या आपने जो है यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और अपना इनरोलमेंट नंबर डाले, क्या आपने अपना रिजल्ट को देख लिए या नहीं देखे? तो आइए हम इसका जो सच्चाई बताते हैं कि आखिर जो है इसमें जो है क्या चीज़ के बारे में डिटेल जो है दिए जा रहे, पूरा का पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आइए इस वीडियो के साथ जरूर से जरूर बने रहें और हम भी इसमें इनरोलमेंट नंबर डालते हैं और चेक करते हैं और वाकई में करते हैं कि वाकई में यह जो है या नहीं है। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर से जरूर आप देखें। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे शुरू में इनरोलमेंट नंबर डाल रहे थे। तो इनरोलमेंट नंबर अगर आप कुछ भी डालते हैं, जैसे कि मान लेते 102 डाल देते, ईमेल एड्रेस कोई भी ईमेल एड्रेस आप डालते हैं और सबमिट बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से आके रिजल्ट जो है घोषित कर दिए जाते। थोड़ा सा एक आप समझिए, थोड़ा सा माइंडेड लगाइए कि क्या एक और दो कोई इनरोलमेंट नंबर हो सकते हैं? अगर इनरोलमेंट नंबर क्या किसी का, आप सभी को पता है 14 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होते हैं तब जाके आपका रिजल्ट को चेक करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ 102 डालें तो आपका रिजल्ट जो है कोर्स कोड 501 का मार्क्स, 502 का मार्क्स, पूरा का पूरा जो है डिटेल्स यहाँ पर जो है दिखा दिए। तो क्या यह सही है या गलत, आप खुद सोचिए कि क्या यह जो है आप जो चेक करें क्या वह सही है कि गलत। अगर आप इसमें थोड़ा सा बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद अगर यहाँ पर लिखते हैं 6 या 7 कुछ भी चीज़ अगर लिखते हैं और फिर से अगर आप दबाते हैं तो देखिए आपका रिजल्ट जो फिर से घोषित हो गया। तो क्या आप खुद सोचिए कि 2 डिजिट या 3 डिजिट डालने से क्या आपका रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे? आप सभी को बार बार बताते हैं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन से बचें और हमारा चैनल से बेटर कोई भी चैनल नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीज़ जो है जितने भी इन्फॉर्मेशन आते हैं पूरा प्रूफ के साथ आते हैं और सारे जो है जानकारी पूरा लीगलिटी तौर पर आपको बताए जाते हैं, इसीलिए हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें और जरूर जुड़ें। आप सभी को बता दें कि जब भी आप सभी का रिजल्ट अगर आएंगे तो आप सभी का रिजल्ट जो है इसी वेबसाइट पर ही दिखाए देंगे, आपका NIS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर, या तो आपको यहाँ पर एक नए लिंक मौजूद होंगे, इसके अलावा टीचर सेक्शन पर भी एक लिंक आपको दिए जाएंगे जहाँ से आप आसानी से अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बात हम बता दें कि जब कभी भी आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर का एडमिशन हो या सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म हो या कभी भी कुछ भी चीज़ अगर निकलता है तो NIS सिर्फ आपसे इनरोलमेंट नंबर मांगते, बाकी डिटेल्स आपसे कभी भी नहीं मांगते। और जब आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो आप सभी का रिजल्ट किस प्रकार से दिखेंगे, आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपना रिजल्ट को देख पाएंगे। आपका अगर रिजल्ट घोषित होते हैं तो इस टाइप से आंकड़ा करके आपको बताए जाएंगे, सबसे पहले रोल नंबर, नाम, पिताजी का नाम, एस्टेट, और यहाँ पर यह भी लिखेंगे 501 के लिए जो है यह इतने थ्योरिटिकल में है, आपके असाइनमेंट में इतने हैं, टोटल जो है पास मार्क इतने, 502 का यहाँ सब्जेक्ट है थ्योरिटिकल में इतने हैं, असाइनमेंट में इतने हैं और आपका टोटल मार्क्स इतने, 503 में इतने हैं और असाइनमेंट में इतने हैं और आपका जो है टोटल है इतने मार्क्स। अलावा आप सभी का स्कूल बेस्ट एक्टिविटीज़ का मार्क्स भी यहाँ पर दिखेंगे और वर्कशॉप बेस्ट एक्टिविटीज़ का मार्क्स भी आपको एक ही साथ आपको दिखेंगे, लेकिन जो उस लिंक पर हम लोग जब गए लिंक पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिर्फ रिजल्ट में जो है यहाँ पर सिर्फ 501, 502, 503 का ही मार्क्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ना ही आपका असाइनमेंट का मार्क्स दिख रहे हैं, ना ही स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ का, ना ही व्हाट्सएप बेस्ड एक्टिविटीज़ का, किसी भी प्रकार का कोई भी मार्क्स जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, इसीलिए यह जो है यह गलत इन्फॉर्मेशन है, यह गलत लिंक है, इस लिंक पर ना जाए। और आप सभी को बता दें कि यह लिंक आप सभी का हो सकता है डाटा को इकट्ठा कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप जैसे ही आप
यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर और अपना जीमेल अगर आईडी डालते हैं तो आप सभी का जो है, आप सभी का इफेक्ट डायरेक्ट बैंक में पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जो आप सभी को पता है कि बैंक में कोई भी डिटेल्स भरते हैं तो वहाँ पर भी एक ईमेल एड्रेस लगते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप आधार कार्ड से जुड़े होंगे तो वहाँ पर भी आप सभी का जो है डिटेल्स में ईमेल एड्रेस लगते हैं। तो आप सभी का अगर आप अपना डिटेल्स को यहाँ पर फिल करते हैं गलती से भी, तो आप सभी का जो है बैंक अकाउंट में डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकते हैं, या आप सभी का आधार कार्ड में जाकर इफेक्ट पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट से कुछ पैसे भी रिमूव हो सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कोई भी अपना ईमेल एड्रेस या इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर गलती से फिल ना करें, इस चीज़ को आप खास ख्याल रखें, क्योंकि आपका जो है एक छोटी सी गलती आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ जाए, क्योंकि ऐसे लिंक से आप बचें, इस टाइप से गलत लिंक के साथ आप बचें, ऐसे ना करें कि गलती से आप इस लिंक पर डाल दें। आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि किन किन पर्सन ने अभी तक अपना और अपना जो है ईमेल एड्रेस और अपना इनरोलमेंट नंबर डाल चुके हैं, क्योंकि हमने तो अपना इनरोलमेंट नंबर अभी तक भी नहीं डाला है, क्योंकि हमें पहले से ही पता चल गया था कि यह जो है लिंक फर्जी है, यह लिंक जो है गलत है। इसीलिए आप अगर गलती कर चुके हैं तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका इसमें हमारा काम है मोटिवेशन करना, हमारा काम है बताना अब आप इस रास्ते पर चलते हैं कि नहीं, डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। क्योंकि मैंने बता दिया कि अगर आप जीमेल आईडी डालते हैं तो बहुत सारा को बैंक में अकाउंट में अपडेट रहते हैं, जीमेल आईडी आधार कार्ड से लिंक रहते हैं जीमेल आईडी, जिसके कारण बहुत सारा जो आपके पास हो सकते हैं। अगर इस वेबसाइट का अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर सिंपली सर्च कीजिए हुइज, हुइज करने के बाद यहाँ पर नीचे का वेबसाइट में यहाँ पर आप देख पा रहे, इस पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद जो है आप इस लिंक को जब पेस्ट करते हैं तो huiz.com.in नेट में, तो यहाँ पर जो है वेबसाइट के बारे में, जो आपका यह जो वेबसाइट है इसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्स में बताई गई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो यह जो है मतलब बाय किए गए थे 10/10/1 को, यानी 10 जनवरी को यह जो वेबसाइट को जो है इतना बजे जो है बाय किए गए थे। उसके बाद लास्ट अपडेट जो है 19/8 को किए गए, यानी 19 अगस्त को जो इस वेबसाइट को अपडेट किए गए आपको रिजल्ट को लेकर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसका अगर रजिस्ट्रेशन का एक्सपायरी डेट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 जनवरी 2019 तक इस वेबसाइट का जो वैलिड है। और आप सभी को पता है कि एनएस का वेबसाइट जो बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही पुराना है, आप सभी को इस बात को भी आप खास जानते हैं। यहाँ पर जब भी आपका रिजल्ट आएंगे तो इसी पर ही आपका रिजल्ट आएंगे, आप इस टाइप से लिंक से बचे बचे और ना ही इस पर आप ध्यान दें। हमारा चैनल आपके लिए बनाया गया, जब भी कोई भी वीडियो आते हैं तो वेरीफाइड करके ही आप तक पहुंचाए जाते हैं, इसलिए हमारा हर वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप सभी थोड़ा सा वेट करें, जब भी आपका रिजल्ट आए इसी वेबसाइट पर आएंगे, जैसे रिजल्ट आएंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल पर ही अपडेट मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट और लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा।